लड़की कौन सी बिठाऊं, बगल वाली को अपने पीछे बिठा लूं? कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड न्यू एपिसोड आल्सो। और यार थोड़ी सी बातें करनी थी तुम लोगों से। बात ये थी कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, मज़ा आ गया 300 सब्सक्राइबर के बाद। ना कुछ भी कहो, मतलब फील ही अलग है। चलो कुछ नहीं, हमारे पास कम से कम 300 लोग तो हैं जो हमें देख रहे हैं, इस चीज़ की खुशी है। चलो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, लिटरली एक पहला सब्सक्राइबर, एक जेन्युइन बंदे से हमने शुरुआत की थी और आज 300 तो चलो हो ही गए। धीरे धीरे करके और पूरा करेंगे। और आज ही हमारे साथ आलोक लिंगवाल जी भी राइड पे चल रहे हैं, फुल पावर जोश में है बंदा एकदम। लड़की कौन सी बिठाऊं, बगल वाली को अपने पीछे बिठा लूं? बेचारी स्प्लेंडर में जा रही है। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। हम बोलेंगे आपको आपको 300 बहुत बड़ी जनता के आगे आना है वीडियो में। वो भी बिना ट्रैफिक के। तो गाइस अब हम लोग निकले हैं मेन रोड पे, थोड़ा सा पेलम पिलाई करेंगे यहाँ पे। अब ये भाई साहब मुझे आगे जाने के लिए जगह दे तो ना। सेकंड गियर ही मांग लिया, गाड़ी गर्म हो गई है, सिर्फ सेकंड गियर पे चलेगी है। मेरी वाली जब ठंडी होती है तो पहला गियर बहुत सेक्सी चलता है, बट जब गर्म हो जाती है तो फिर तो सेकंड गियर ही है। कहाँ आ रहा चाचा, चला ले, लड़की देख के फिसल रहा है। हाँ तो गाइस मैं तुम लोगों को ये बोल रहा था, देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है 300 बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बट जो भी है यार, जो मतलब आप जितने भी बंदे कमेंट करते हो ना भाई, इतना अच्छा लगता है ना देख के। सीरियसली देखो मुझे सच बता रहा हूँ मैं, मुझे ना बोलना आता था जिस दिन मैंने पहले दिन कैमरा पकड़ा था ना, मतलब मैं रुक रुक के बोल रहा था यार इतना, मतलब मुझे ये लग रहा था कि अब क्या बोलूँ, अब कौन सी बात रहेगी, कुछ दिमाग में थॉट्स ही नहीं आते थे। बट अब मैं इतना ज़्यादा खुल गया हूँ ना मैं तुम लोगों के साथ यार। ये देखो बीच में गाड़ी बंद करके खड़ा है चूतिया, फिर वो लोग गाली क्यों देता है। तो या गाइस मैं मतलब मुझे नहीं आता था बोलना भाई, मैं सीख गया हूँ। मैं अब जाके मैं थोड़ा बहुत, मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं 100% बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, बट अब थोड़ा सा ठीक ठीक मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों से बात करने का, वीडियो बनाने का। तो कोई भी नया बंदा देख रहा है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ये मत सोचो कि सिर्फ सुपर बाइक से ही व्लॉगिंग होगी, आप नॉर्मल अपनी बाइक से भी, जो भी आपके पास बाइक है यार, आप उससे व्लॉगिंग करो। एटलीस्ट लाइफ में कुछ नहीं होगा ना तो इतना हो जाएगा कि आपके अंदर इतना सेल्फ मोटिवेशन, इतना ज़्यादा आप इतने बढ़िया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप चार जनों के आगे अपनी बात रख सकते हो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा कि यार हमें कुछ पैसे वैसे कमाने हैं यूट्यूब से, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। जो मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ये वीडियो बना के, हमें वही सबसे बढ़िया है, और हमारे लिए वही एक चीज़ है जिसे हमने नोटिस किया है, जो हमारे अंदर आई है। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊँ लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया भाई। बस वाले देख तो ले, तेरे आगे क्यूट गर्ल चल रही है, कुछ भी कर रहा है। अबे दे दे यार 12 रुपये, छोड़ना, क्यों रिस्क ले रहा है। चल तेरे पीछे ही हूँ, चल 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 चल। अब तेरी ये है कुछ ये हुआ कुछ नया। ओ भाई अबे ये वाला बढ़िया था गुरु। दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा।
हाँ तो जी, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और ये हमारा दोस्त। हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है आलोक लिंगवार और मैं रहने वाला हूँ देहरादून का, और ये मेरा दोस्त है शुभम शर्मा। और यहाँ पे अभी हम लोग आज एक पहली राइड पे आ रखे हैं, ये हमारी फर्स्ट राइड है, तो बोला जा सकता है काफी अच्छा एक्सपीरियंस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप मौसम देखिए, दिखा दी मैंने बाइक भी, दिखा दी अब बाइक भी दिखा दी, और अब हम यहाँ से घर की तरफ जाएंगे। अभी इससे पहले का जितना भी शूट हो रखा है ये अभी कुछ टाइम बाद ये डाल देगा अपने YouTube चैनल में इसको सर। और आपको भाई का भी मिल जाएगा YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना, वहाँ पे भी भाई की वीडियोस हैं। ठीक है, क्या बोला तूने? प्रो राइडर 1000 ब्रो, क्या हाल है? क्या हाल है भाई? मैं ये बोल रहा हूँ, इसका काम का क्या रहा है? अरे तो काम का ही, इसके पैनल है ना। हाँ हाँ हाँ, वो टूट गए। तो ये स्पीड की, आपने बताया तो था, मतलब कैसे, तो स्पीड की वजह से हुआ? स्पीड चेन टूटा ये। हाँ, हुआ क्या, जैसे कंपनी होता है, कंपनी में डिफेक्ट होता है, पार्ट में डिफेक्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये डिफेक्ट का पार्ट में, पर कंपनी वाले ना बचने के लिए बोल रहे हैं, जो पीपीएफ कराएंगे में। हाँ हाँ हाँ, पीपीएफ की हीटिंग हो रही है यार, पीपीएफ की हीटिंग से ये तो पार्ट काफी स्ट्रांग होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी स्पीड, इतनी हैवी बाइक है यार। मतलब कि हीट गन से हुआ, ऐसा कैसे होता है भाई? नहीं यार, हीट से नहीं होगा, आपने बताया तो था वही ना। हाँ हाँ, सही बात है, चलो अच्छा लगा है भाई। यहाँ आपकी बैटरी डाउन होने वाली है? हाँ, थोड़ा सा रह गया बस। चलो आराम से।